महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। आज थोड़ी तबीयत नासाज है और कई दिनों से है, पर वीडियो है ही नहीं तो क्या करूँ, बनाने तो पड़ेंगे। हालांकि कोई देखता नहीं है इस चैनल को, फिर भी मुझे तो बनाने तो पड़ेंगे। मैं तो पीछे नहीं हट सकता, कोई देखे ना देखे। मेरी कोशिश, मेरी ईमानदारी पूरी है, ये ईश्वर तो देखता है मेरे अंदर बैठा हुआ। कोई नींद खरीदने वाला है क्या तो मैं बेचना चाहता हूं। कोई अगर नींद खरीदना चाहे तो मैं उसे बेचना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो जो सोने में जितना समय जाता है ना समाधि में, मैं और ईश्वर से जुड़ के उसका आनंद लेना चाहता हूं। मैं और जितनी भी सनातन की सेवा करना चाहता हूं। मेरे इस शरीर का अंग अंग, कण कण इस धरती में समाहित होने तक ईश्वर की सेवा और सनातन की सेवा करता रहे, ये मंशा है। उसमें नींद मेरा आधा समय खा जाती है। मैं हालांकि इस शरीर को सुख मिलता है, आत्मा समाधि में चली जाती है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, ईश्वर से कनेक्ट होती है। बट जो जाग के ईश्वर से जुड़ने में आनंद है वो सोने में पता ही नहीं चलता। ये आनंद का इसका तो आभास होता है। तो मैं बेचना चाहता हूं और उससे जो भी मुझे मिले मैं वो भी जनसेवा में लगा देना चाहता हूं। ये मेरी मंशा है। तो आपको कोई खरीदार मिले मेरी नींद का तो बताइएगा, क्योंकि मेरे पास उस समय के लिए बहुत काम है। मुझे कोई करोड़ों के बिजनेस के बारे में नहीं सोचता, कोई चैनल का कैसे बढ़ावा होगा, कैसे लोगों से मिलूं, क्या करूं, कहां कितना बिजनेस बघारूं। मैं ईश्वर से जुड़े रहने का जो आनंद है चैतन्य अवस्था में, मैं उसमें डूबा रहना चाहता हूं। अचेतन अवस्था में समाधि में जाने से चैतन्य आनंद की अनुभूति नहीं होती, इसलिए मैं नींद को बेचना चाहता हूं। लोग तो कहते हैं मुझे, महाराज जी नींद ही नहीं आती, सौभाग्यशाली हो भाई। नहीं आती है तो ईश्वर से जुड़ो, चैतन्य रूप में जुड़ो, आनंद लो। ईश्वर ये मौका हर किसी को देता नहीं है, पर नींद आने के कारण ये नहीं है कि आप ईश्वर से जुड़े हो चैतन्य रूप से। नींद न आने के कारण ये नहीं है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है या ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहे इसलिए नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आने के कारण ये है, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप मर गए तो तुम्हारा तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो फलाना जो सौदा हुआ है उस पर क्या करना है, बैंक से कितने लोन चल रहे हैं, वो नई फैक्ट्री लगानी है, बेटे की शादी करनी है, या खुद के भौतिक ऐश्वर्य इकट्ठे करने हैं। नींद इसलिए नहीं आती भाई। आपके नींद, आपके जागते रहने का कारण अलग है और मैं अलग कारणों से जागना चाहता हूं। महात्मा गांधी की एक ही बात मुझे पसंद आई पूरे जीवन में, एक लाइन थी, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत, सिर्फ एक लाइन। बाकी सारा पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उन्होंने माना कुछ भी नहीं, सिर्फ उपदेश दिए, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। हाँ एक बात जरूर समझ में आई कि उनके मुंह से या उनकी लेखनी से निकल गई कि जो जागता है वो पाता है।
मजाक के तौर पे 1000 मैसेज आ जाएंगे, महाराज जी कितने में बेचोगे? 1000 मैसेज आ जाएंगे, खरीदार कोई नहीं है। कौन सोना के वैसे कोई चाहता ही नहीं है, सबके अपने अपने कारण है, उन कारणों से नहीं सोना चाहता। मेरा अपना कारण है, पर क्या कोई जागा हुआ है? आपको कोई जागा हुआ व्यक्ति मिले तो उसके पैर पकड़ लेना, क्योंकि ये दुनिया पूरी सोई हुई है। अपने शरीर की, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सब ईश्वर से विमुख हैं, सत्य से सोई हुई है। अगर कोई सच का जानकार जागा हुआ व्यक्ति मिल जाए तो पैर पकड़ लेना भाई, और मुझे भी बताना, मैं भी पकड़ लूंगा। भजन करने से रात दिन कुछ नहीं होता, उन भजनों में जो चीजें कही हैं उसको आत्मसात करने से होता है, और वो जागृत व्यक्ति ही कर सकता है। सामने ईश्वर आपको अपनी लीला दिखा रहा होता है, दिखती नहीं है क्योंकि आप सोए हुए हो। तो इस युग में कोई भी जागृत आदमी, तो जागा हुआ आदमी मिल जाए तो मुझे भी मिलवाना। पूरा संसार चिर निद्रा में सोया हुआ है, वरना नकारात्मकता इतनी बढ़ती नहीं। जो जागृत अवस्था होती है वहां पे करोड़ों लोग, जो जागृत जगह होती है या कोई मंदिर होता है या कोई शक्तिपीठ होता है, वहां पे करोड़ों लोग साल में जाते हैं माथा टेकने, क्योंकि वो जागा हुआ है भाई। जो व्यक्ति जागृत होता है उसकी तरफ पशु पक्षी इंसान सब अट्रैक्ट होते हैं, जागा हुआ है। मैं इसलिए जागना चाहता हूं, मैं अपनी चेतना को जागृत अवस्था में ईश्वर के साथ जोड़ के रखना चाहता हूं। मैं संसारिक की नकारात्मकता के साथ सोना नहीं चाहता। जागृत जगे हुए आदमी को ही एहसास होता है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, सोए हुए को नहीं होता। और जितने लोग यहाँ पे जो अन्याय कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वो जागे हुए हैं क्या? होते तो करते ही नहीं। विषय बहुत गंभीर और विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला है, तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, इतनी प्रार्थना करते हुए कि नींद बेचनी है, कोई खरीददार हो तो बताना। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।